दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी और जीएसटीआर 7 की डेट एक्सटेंड की गई है स्पेसिफाइड टैक्सपेयर के लिए और नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति मंथली जीएसटी 1 फाइल करते हैं उन्हें रिटर्न मंथ के एंड होने के बाद 11 डे तक फाइल करनी होती है। दोस्तों, जीएसटी 1 की डेट एक्सटेंड की गई है, इसके लिए नोटिफिकेशन 11/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मणिपुर में है उनके लिए डेट एक्सटेंड की गई है। अब वो अप्रैल 2023 के टैक्स पीरियड के लिए जीएसटी 1 की रिटर्न 31 मई 2023 तक फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली 11 मई 2023 ड्यू डेट होती है जीएसटी 1 को फाइल करने के लिए अप्रैल 2023 के लिए, लेकिन जिन व्यक्तियों का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मणिपुर में होगा वो 31 मई 2023 तक जीएसटी 1 को फाइल कर पाएंगे बिना किसी लेट फीस के। इसी प्रकार दोस्तों, जीएसटी 3 बी की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। जो व्यक्ति मंथली जीएसटी 3 बी फाइल करते हैं वो अप्रैल 2023 के लिए जीएसटी 3 बी को 20 मई 2023 तक फाइल कर सकते थे, लेकिन जिन व्यक्तियों का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मणिपुर में है उनके लिए डेट एक्सटेंड की गई है। अब वो अप्रैल 2023 के लिए जीएसटी 3 बी फाइल कर सकते हैं 31 मई 2023 तक। इसके लिए नोटिफिकेशन 12/2023 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि टीडीएस काटा जाता है तो उस केस में जीएसटी 7 में टीडीएस की रिटर्न फाइल की जाती है जीएसटी पोर्टल पे, तो इसके लिए भी डेट एक्सटेंड की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 13/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत के बताया गया है कि जीएसटी 7 को फाइल करने की डेट एक्सटेंड की गई है उन व्यक्तियों के लिए जिनका के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मणिपुर में है। वह ये जीएसटी 7 की रिटर्न 31 मई 2023 तक फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, अप्रैल 2023 की आपको जीएसटी 7 10 मई 2023 तक फाइल करनी थी, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा उन व्यक्तियों के लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड हो गया है जिनका के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मणिपुर में है, तो वो जीएसटी 7 को 31 मई 2023 तक फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अप्रैल 2023 के लिए GSTR 7, GSTR 3B एंड GSTR 1 की डेट एक्सटेंड की गई है। जिन व्यक्तियों का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मणिपुर में है आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक taxhill.com की वेबसाइट पे दिया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxhill@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सहिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।